ये है अपनी रॉयल इनफील्ड की सुपर मेट्योर 650, जो कि मैंने पिछली वीडियो में इसके बेसिक फीचर वगैरह बता दिए थे, लेकिन आज अपन बात करते हैं इसके इंजन वगैरह के डिटेल से। तो कुछ इस प्रकार की अपने को मिलती है, ये इसका बेस वेरिएंट है। इसके अंदर अपने को तीन वेरिएंट मिल जाते हैं। बात कर ले कलर की, तो कलर भी इसके अंदर अपने को रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ब्लैक, काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन बेसिक कलर नहीं मिलते, काफ़ी यूनिक कलर मिलते हैं। इसके अंदर अपन आगे बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसके अंदर अपने को 648 सीसी का BS6 ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ में अपने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर 46.3 BHP की पावर मिल जाती है, 52.3 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बात करें गाड़ी की हाइट, विड्थ, वेट की, तो इसके अंदर अपने को 241 kg का कर्व वेट मिल जाता है। उसी के साथ साथ ओवरऑल लेंथ मिल जाती है 2260 mm, ओवरऑल विड्थ 890 mm, ओवरऑल हाइट 1155 mm, व्हील बेस मिल जाता है 1500 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 135 mm, जो कि बाकी गाड़ियों के मुकाबले में काफ़ी कम है, लेकिन ये सुपर क्रूजर बाइक है तो उसके अकॉर्डिंग 135 mm इसमें दिया गया है। बात करें सीट हाइट की, तो 440 mm का सीट हाइट मिलता है, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन इसके अंदर अपने को लेग स्पेस काफ़ी बड़ा मिल जाएगा, जो कि अभी मैं आपको बैठ के इसकी पोजिशन भी दिखा दूँगा। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर अपने को ओडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, DRL मिल जाता है, मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाती है, GPS वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी डिटेलिंग की बात करें तो ये अपने को फुटरेस्ट मिल जाते हैं, जिसके ऊपर रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग की हुई है। ये अपना ब्रेक पैडल हो गया, ये इंजन हो गया, जिसके ऊपर एम्बोजिंग किया हुआ है R, जो कि अपना रॉयल इनफील्ड का लोगो है वो किया हुआ है। ये अपना रियर वाला फुटरेस्ट हो गया, जो कि आप देख सकते हो डुअल साइलेंसर मिल जाते हैं फुल्ली क्रोम के अंदर, और ये 16 का अपने को इसमें टायर मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो सीएट का टायर मिल जाता है, काफ़ी बड़े ट्यूबलेस के साथ में। उसी के साथ साथ एलॉय व्हील मिल जाती है इसके अंदर। बात करें रियर लुक की, तो कुछ इस प्रकार के लुक के साथ में अपने को ये मिलती है। मैं एक बार इसकी लाइट वगैरह आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये इसकी टेल लाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी यूनिक सी लग रही है। उसी के साथ साथ ये इंडिकेटर हो गया, ये अपना रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग, यहाँ पर अपने नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाती है, वो भी अपने को LED के अंदर ही मिलती है। तीनों तरफ अपने को रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक अपने को गार्ड मिल जाता है, ये अपना साइलेंसर वगैरह हो गया। उसी के साथ साथ अपन बात करें इस गाड़ी की, तो इसके अंदर अपने को साइड स्टैंड एंड मिडल स्टैंड दोनों ही मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी रहते हैं। ये अपने को हैंडल पीछे के साइड में मिल जाता है इस गाड़ी के स्टैंड वगैरह लगाने के लिए, पकड़ने के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर अपने को यहाँ पर नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो इसके में अपने को तीन मॉडल मिलते हैं, जो कि मैं आपको प्राइस वगैरह बता देता हूं। जो इसका बेस मॉडल है, जो कि आप देख पा रहे हो ये वाला, इसकी प्राइस अपने को ऑन रोड पड़ती है लगभग 432,792 रुपये, जो कि अप्रोक्स प्राइस है जयपुर के हिसाब से। बाकी डिटेल से बात करोगे कि ऑन रोड अपने को क्या पड़ती है, फाइनेंस वगैरह क्या होता है, तो वो आपको शोरूम के अंदर मिल जाता है। 3,78,900 रुपये इसकी एक्सशोरूम प्राइस है, लगभग 65,000 रुपये लग जाते हैं इसके RTO के, और 23,000 रुपये के समथिंग हो जाता है इसका इंश्योरेंस, तो ये प्राइस अपने को पड़ जाती है। इसके अंदर अपने को एक अलग से स्क्रीन और मिल जाती है, जो कि आप ये देख पा रहे हो। तो ये क्या काम करती है, ये अपने मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, तो इसमें अपने को नेविगेशन वगैरह, मैप वगैरह हो गए, अपने फ़ोन की डिटेल वगैरह हो गई, तो वो चीज़ें इसके अंदर अपने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ रॉयल इनफील्ड ने दी है। पहले के टाइम में अपने जो क्लासिक आती थी, जो स्टैंडर्ड आती थी, उसके अंदर अपने को फ्यूल इंडिकेटर भी नहीं मिलता था, लेकिन आज के टाइम में उन गाड़ियों के अंदर भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ सब गाड़ियों के अंदर नए नए फीचर आ रहे हैं, LED लाइटें मिल रही है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। उसी के साथ साथ जैसे ये हंटर है, हंटर के अंदर भी अपने को काफ़ी ज़्यादा सिस्टम वगैरह, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। तो ये हमारी आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।